PMAY अर्बन, जो हाउसिंग बोर्ड जो है स्टेट लेवल नोडल एजेंसी है, सब लोगों को मैं बताना चाहता हूँ जो एलिजिबल बेनिफिशरीज़ हैं पूरी यूटी में, उसमें गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अप्रूव किया हुआ है कि जो पहली किस्त है 41,666 की, वो एडवांस में भी दी जाएगी अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं प्लिंथ के लिए। देख उसके लिए उसको एक, अगर तो उसका बैंक अकाउंट है, वो एक क्रॉस डेटेड चेक दे देगा कंसर्न यूएलबी को अलॉन्ग विद एफिडेविट देगा कि ये जो पैसा मुझे दिया जा रहा है ये हम इसमें प्लिंथ में ही लगा देंगे। तो ये एक एडवांस मोबिलाइजेशन उसको नाम दिया गया है, ये चीफ सेक्रेटरी की कमेटी है उसमें अप्रूव किया गया था और ये दिया जा रहा है इस वक्त भी। जो हमारे जो टोटल 44,000 के करीब जो बेनिफिशरीज़ हैं उसमें से जो 12,000 नए बेनिफिशरीज हैं, मैंने रिसेंटली काफ़ी ये एडवांस मोबिलाइजेशन की किस्त लोगों के लिए अप्रूव की हैं और पैसा उनको दिया गया है। अब जिन्हें मालूम नहीं है, जिन लोगों को मालूम नहीं है, मैं यही बताना चाहूँगा कि उसमें रिक्वायरमेंट है, अगर तो आपका बैंक अकाउंट है आप पोस्ट डेटेड चेक जो है वो क्रॉस करके वो दे देंगे, या अगर आप कोई अनपढ़ है जिसके पास चेकबुक नहीं हो क्योंकि उनको चेक इशू नहीं किया जाता है चेकबुक, तो वो जो विड्रॉल फॉर्म है वो पोस्ट डेटेड कैंसिल करके वो देंगे। वो हमने स्कीम में मॉडिफिकेशन करवाई थी और एक एफिडेविट देंगे कि जो एडवांस मोबिलाइजेशन का पैसा होगा वो मैं प्लिंथ पे ही लगा दूंगा, एडवांस मोबिलाइजेशन मिलेगा और सब्सिक्वेंट जो तीन किस्तें होंगी वो अपनी अपनी उस स्टेज पे मिलेगी, वो लिंटल है, वो आपका स्लैब स्टेज है या फाइनल फर्निशिंग की स्टेज है उस पे दिया जाएगा। सर और भी काफ़ी स्कीमें हैं, लोग जहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं उन लोगों को क्या करना? देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी स्कीम है, PMAY अर्बन तो एक स्कीम है, बाकी बहुत सारी स्कीम हैं, ये हर डिपार्टमेंट जो है इसका पूरा IEC एक्टिविटीज़ करता रहता है। मैंने भी पिछले दिनों ही इस PMAY के बारे में, मेरे पास मीडिया पर्सन भी आए, हम मीडिया के थ्रू भी एडवर्टीज़मेंट देते हैं, हमने लोन के लिए मेला निकाले, मतलब हाल ही ये PMAY में जो हम 1,66,000 है हमने इसको इसी तक रिस्ट्रिक्ट नहीं रखा है, अगर कोई बेनिफिशियरी बैंक से लोन भी लेना चाहे 2,00,000 का लोन भी उसको मिल सकता है और उसको वो 2,00,000 जो है 10 साल में वापस देना है, सिर्फ 2,00,000 वापस देना है, इंटरेस्ट J&K हाउसिंग बोर्ड भरेगा क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट वो पैसा हाउसिंग बोर्ड को दे रहा है। तो लोगों को हम यही बताना चाहते हैं कि अगर आपको, जैसे अगर किसी को भी इस वक्त बताया जाए कि एक कमरा, एक किचन, एक बाथरूम आप 1,66,000 में बना दो, तो महंगाई इतनी है उस, ये मुमकिन नहीं है। तो उसके बाद हमने टेकअप किया गवर्नमेंट के साथ, 2,00,000 हमने सेंक्शन करवाया है लेकिन वो उसको एज लोन मिलेगा और हर महीने उसको एक किस्त देनी पड़ेगी 2,00,000 पे वापस और 10 साल में उसने वो 2,00,000 ही वापस देना है, इंटरेस्ट उसका हम पे करेंगे। तो लेकिन उसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, ये तो है नहीं कि लोन हर किसी को मिलेगा, एक तो ज़मीन उसके नाम होनी चाहिए प्लस उसका 3,00,000 से कम इनकम होना चाहिए, PMAY का एलिजिबल बेनिफिशियरी होना चाहिए। तो कंसर्न जो हमारे CLTC हैं उनके थ्रू आप अपना नाम रिकमेंड करवाइए कि आपको वो लोन चाहिए, आप मंथली बेस पे फिर J&K बैंक को प्रिंसिपल अमाउंट 10 साल में वापस करोगे, हम आपका इंटरेस्ट यहाँ से भरेंगे ताकि आपको फ़ायदा हो, आपको 2,00,000 पैसा मिले, आपका मकान बन जाए। ये इस PMAY का एक एडिड हमने एक एडवांटेजेस एक स्कीम बनाया हुआ है जिसमें जो गरीब लोग हैं जो हमारे शहरों में रहते हैं जिनके पास मकान नहीं है लेकिन उनके पास अपनी ज़मीन है और उनकी जो सालाना आमदन है, जो पूरे साल की उनका कमाई है वो 3,00,000 से कम है, उनको वो मिलेगा। और बाकी गाइडलाइंस भी इसमें फुलफ़िल करनी है कि पहले उसने किसी आवास योजना में कोई मकान ना लिया हो जो उसको इनएलिजिबल करार देता है। ये कुछ गाइडलाइंस को लेके जो भी फुलफ़िल करता है जो हमारा शहरी है उसके लिए PMAY में 1,66,000 और J&K बैंक के थ्रू जो हम लोन सेंक्शन करवाएंगे वो 2,00,000 होगा, ये तो पूरा पैसा 3,66,000 बनता है। इस वक्त हमारे 44,000 बेनिफिशरीज़ हैं जिनको एलिजिबल करार दिया गया है और जिनको ये पैसा दिया जा रहा है। तो जो कंसर्न्ड UELBs हैं वहाँ पे इनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है, फिर डिप्टी कमिश्नर्स के पास बिल आते हैं, वो बिल हमें भेज देते हैं हाउसिंग बोर्ड को और यहाँ से डायरेक्ट बेनिफिट जो है उनके अकाउंट्स में चला जाता है जो लोग ये बेनिफिशरीज हैं और जो मकान बना रहे हैं। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।